अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अदर वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक बहुत ही कमाल की चीज़ लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि जो है ना विंडोज़ 10 के अंदर एक नया फीचर आया रिसेंटली अलार्म का, ठीक है। उससे पहले अलार्म का कोई फीचर नहीं था। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है एक मसला आता है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से टून चेंज नहीं कर सकता इसकी, ठीक है। मतलब अपनी मर्ज़ी से अपनी टून नहीं लगा सकता। इसके अंदर बहुत सारी जो है ना टून वगैरह, मतलब तो बंदे का दिल करता है कि यार अपनी मर्ज़ी की टून हो कोई अलार्म वगैरह में। अब ये अलग अलग टाइप की जो है ना टून्स आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपनी कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। अपना जो है ना टून डिफाइन करने का ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक किरत है, ठीक है। ठीक है, ये किरत है और मैं चाहता हूँ कि ये किरत जो है मैं अपने अलार्म की टून में लगाऊं, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सीधा जाऊंगा एक और हम लोग फाइल एक्सप्लोरर खोल लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं लोकल डिस्क सी, और सी के अंदर जाएंगे हम विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ में मीडिया, ठीक है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे अलार्म्स आएंगे, ठीक है। आपके पास बहुत सारे अलार्म्स दिख जाएंगे, अलार्म 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ तक 10 तक है ये ऑलरेडी मैंने एक कर चुका हूँ, नंबर 1 अलार्म 1 कर चुका हूँ मैं। ये आपको सुना भी देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अजान लगाई है इसमें ऑलरेडी। तो मैं दूसरा करके दिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर जो है म्यूज़िक वगैरह है या कोई टून वगैरह है छोटी सी, तो इसको चेंज करके दिखाऊंगा इस किरत में, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको चेंज करने से मना कर देगा, मतलब आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैं डिलीट करूँगा, डिलीट नहीं करने देगा मुझे, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम इसके साथ, ठीक है, इस फाइल के साथ। तो आज ही बताने वाला हूँ कि इस फाइल को मतलब डिलीट करना हो, रीनेम करना हो, मतलब रिप्लेस करना हो किसी और फाइल के साथ, तो आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर जो है हम आ जाते हैं यूज़र पर क्लिक करके, आपने एडवांस पर क्लिक कर देना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद जो है वो इस पे जाना है चेंज पे, ठीक है। और चेंज पे जाने के बाद हमें क्या करना है, एडवांस पे और दोबारा चले जाना है। यहाँ आने के बाद फाइंड नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब सीधा नीचे आ जाए और यहाँ पे यूज़र्स के नाम से ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करके ओके क्लिक कर देना, ठीक है। अप्लाई करना है और ओके कर देना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करना है, एडिट पर जाएँ, इन सबको सेलेक्ट कर लें बारी बारी, ठीक है। अप्लाई कर दें सिस्टम में, इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। इस तरीके से सबको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद ओके करें, ठीक है। अब आप अपनी मर्ज़ी की कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रीनेम करते हैं, और रीनेम करने के बाद हम इस फाइल को यही नाम दे देते हैं, ठीक है, अलार्म 2 का। और ये जो है इसको डिलीट कर देते हैं, एक मिनट, पहले डिलीट नहीं होती थी, अब डिलीट हो जाएगी, ठीक है, डिलीट हो गई। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है ऑडियो जो है ये है MP3 में, ठीक है। हम लोग को चाहिए वेव के अंदर, ठीक है, वेव के अंदर चाहिए। तो हम लोग जो है कोई ऑनलाइन टूल देख लेते हैं, ठीक है, कोई भी जो है टूल देख लेते हैं। यहाँ पे अपलोड करेंगे अपनी फाइल और ये कन्वर्ट कर देगा वेव के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये वाली फाइल थी मेरे पास, ठीक है। अब डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अच्छा गाइस, ये हो चुका है हमारे पास डाउनलोड, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं और इंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सीरी वेव की फाइल, ठीक है। अब हम इसको सिंपली यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, बस इतना सा काम है, ठीक है। अब ये हो गई, अब हम चेक करते हैं कि हमारा काम हुआ नहीं हुआ। अलार्म के लिए जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे जाके चेक करते हैं, ठीक है। ये तो पहली वाली है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले सेट कर चुका था अजान के ऊपर, ठीक है, और ये दूसरी वाली है, ठीक
क्योंकि गाइस इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं टोन को चेंज, और ये नाम नहीं हट सकता, ये मसला है। बाकी इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खैर बस आपके पास तो टून तो आ गई ना, उससे कोई मसला नहीं है। मतलब जैसे अलार्म वन ये होगा, अलार्म टू ये होगा, अलार्म थ्री ये होगा, इस तरीके से ही है, ठीक है। तो जो भी आप चेंज करते हैं, जैसे अलार्म फाइव चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस ये छोटी सी मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जो कि मैं इस पर ख़ुद लगा हुआ था, बहुत देर से सर्चिंग वगैरह कर रहा था तो मुझे ये तरीका मिला, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताया जाए इस तरीके के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर मिलता हूँ वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।